तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टेक वीडियो। तो इसी वीडियो में हम आपके स्मार्टफोन के कीबोर्ड सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम पहले सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में आई का एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके कीबोर्ड सेक्शन में ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आप अगर किसी मैसेज को या किसी नंबर को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, उसके बाद आप दूसरी मैसेज को कॉपी करते हैं तो पहला वाला जो मैसेज था वो हट जाता है और यहाँ पर दूसरा वाला जो मैसेज वो रह जाता है। तो दोस्तों, आपने जिस मैसेज को, जिस नंबर को, जो भी आप कॉपी किया है, यहाँ पे आपका दिख जाएगा क्लिपबोर्ड में। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं जैसे कि इसको कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे मेरा सारे मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा क्लिपबोर्ड में। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये मैसेज, जो भी मैसेज ये कॉपी किया था, सब यहाँ पे ऐड हो गया है। जितना भी मैसेज यहाँ पे कॉपी किया हूँ, सब यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आपको किसी मैसेज को ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इजीली आप जहाँ पे भी चाहें पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे सेव करके। और यहाँ पे दोस्तों, आपका साइड में एरो का बटन दिया है, यहाँ पे आप साइड में ऐसे जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। ये टाइपिंग के लिए इजी होता है करने के लिए, यहाँ पे ऐसे लेने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे आप दोस्तों ऑल सिलेक्ट करके इसको कॉपी कट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे पहले सेटिंग के बारे में। अब जानते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, आप दूसरे नंबर पे आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड लैंग्वेज का। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं या दो तीन लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज पे टाइपिंग करके किसी को मैसेज भेज सकते हैं। और यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाके लैंग्वेज चेंज करना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकटली आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड लैंग्वेज, और ये मैंने कर लिया, ये हो गया हिंदी लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको बैक में जाना है। बैक में जाने के बाद वही जगह फिर से जाना है। ये देखिए, यहाँ पे हिंदी और उड़िया यहाँ पे ऐड हो गया है लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरा कीपैड सेक्शन है जो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज हो गया है। यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज में किसी दोस्त को यहाँ पे टाइपिंग करके भेज सकता हूँ। और दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपका ऊपर दिया हुआ है फ़ोनपेड का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड सेक्शन है, आपका कीपैड मोबाइल जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे आप दूसरे सेटिंग में जाते हैं, टी प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कीबोर्ड सेक्शन है दूसरे स्टाइल में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारे दूसरे सेटिंग के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों तीसरे सेटिंग के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे आपको बीच में एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिसाइज का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने कीबोर्ड सेक्शन को रिसाइज कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेआउट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनडॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका ऐसा कीबोर्ड सेक्शन यहाँ पे चला आता है। तो आप अपनी कीबोर्ड सेक्शन को जहाँ पे भी रख के टाइपिंग कर सकते हैं यहाँ से हटा के, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है वन हैंडेड, इसे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में आप अपनी एक हाथ से टाइपिंग कर सकते हैं। एक हाथ से टाइपिंग करने के लिए ये इजी हो जाता है, वन साइड चला जाता है, लेफ्ट या राइट आप जो हाथ से टाइपिंग करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन पे स्लिप का,
इसे आप क्लिक करते हैं तो आपका कीबोर्ड सेक्शन ऐसा हो जाता है। यहाँ पे आप दो उंगली से इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट सेटिंग पे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेटिंग पर है नंबर ऑन, तो इसे आप ऑफ़ कर देते हैं तो आपका ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो आपका यहाँ से हट जाता है, नंबर नज़र नहीं आता। और इसे फिर से आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये 1 2 3 4 ये नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए इजी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सारे सेटिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं और भटकते भटकते यहाँ तक चले आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटे को दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।